आईपीएल 2023 में क्यों हो रही है इन पांच खिलाड़ियों की चर्चा, बड़े बड़े दिग्गज हो रहे फेल, ये पांच बना रहे रेड। इन पांचों ने दिग्गजों को पानी पिलाया, मैदान पर आकर कोहराम मचाया, आज हर तरफ इन धुरंधरों का नाम छाया। ये पांचों इनाम से भी करोड़ों कमाकर जाएंगे, शुरुआत से ही इन दिलेरों ने अपना दम दिखाया। बीसीसीआई का भी ध्यान इन पांच पर आया। बीसीसीआई अब बड़े नामों को बाहर भगाएगी, इन पांच में से किसी को जरूर खिलाएगी। इन धुरंधरों से टीम इंडिया मजबूत हो जाएगी। जी, आईपीएल 2023 का पहला हफ्ता बीत चुका है। एक हफ्ते के सफर में ही इस लीग में काफी कुछ देखने को मिल चुका है, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आईपीएल के 16वें सीजन के पहले हफ्ते में ही कई युवा खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से आग लगा दी है। किसी ने गेंद तो किसी ने बल्ले से अपनी धाक जमाई है। इन खिलाड़ियों के खेल को देखकर टीम इंडिया के कई बड़े नामों को पसीने आने लगे हैं, क्योंकि अब उनके बाहर हो जाने का रास्ता नजर आ रहा है। इन खिलाड़ियों को देखकर लगा है कि भारतीय क्रिकेट का आने वाला कल बहुत बेहतर है। चलिए आपको इन पांचों खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। नंबर एक, साई सुदर्शन। 21 साल के युवा बल्लेबाज को गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही मैच में प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी थी, लेकिन केन विलियमसन की इंजरी के चलते बतौर इंपैक्ट प्लेयर वहां पर साई सुदर्शन को मौका मिला, और मौका मिलते ही उन्होंने अपनी काबिलियत का ट्रेलर दिखा दिया। पहले मैच में 22 रन बनाने के बाद दूसरे मैच में दिल्ली के खिलाफ वो प्लेइंग 11 में आए और छा गए। यहाँ उन्होंने टीम की जीत में 62 रन की पारी खेली। साई सुदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। नंबर दो, सूरज शर्मा। 19 साल के सूरज शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है और आईपीएल 2023 में ही उनका डेब्यू हुआ। आरसीबी के खिलाफ खेले अपने पहले ही मैच में वो छा गए। इन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। ये आईपीएल डेब्यू पर किसी भी स्पिनर का दूसरा बेस्ट प्रदर्शन है। नंबर तीन, प्रभसिमरन सिंह। 22 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं और 83 रन ठोके हैं। उन्होंने पहले मैच में 23 रन बनाने के अलावा दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 63/60 रन बनाए। साथ ही अपने कप्तान शिखर धवन के साथ साझेदारी कर टीम की जीत की नींव भी रखी। नंबर चार, ध्रुव जुरेल। 22 साल के ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ। उस मैच में राजस्थान भले ही हार गई हो, पर ध्रुव 32 रनों की नाबाद पारी खेल सबका दिल जीत ले गए। उसके बाद दूसरे मैच में भी उन्होंने 3 गेंदों पर नाबाद 8 रन बनाए, यानी कि अभी तक ध्रुव जुरेल बिना आउट हुए 40 रन बना चुके हैं। नंबर पांच, यशस्वी जायसवाल। आईपीएल 2023 के पिच पर 21 साल के यशस्वी जायसवाल भी अपने बल्ले से 2 मैचों में 1 अर्धशतक ठोक चुके हैं। राजस्थान के लिए सीजन के पहले मैच में उन्होंने 54 रनों की शानदार पारी खेली और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत की बुनियाद रखी। वैसे तो जायसवाल पिछले कई सालों से कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस साल वो अलग ही रंग में दिख रहे हैं। जायसवाल को वैसे भी पिछले सीजन के प्रदर्शन के बाद ये कहा जा रहा था कि इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए। वैसे तो अभी आईपीएल 2023 का शुरुआती समय है, उम्मीद है आने वाले मैचों में ऐसे और भी कई नाम आएंगे जो बेहतर प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाएंगे। आपका इन पांचों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे बेहतर लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।